नमस्कार, मैं श्वेता आपका सोना न्यूज टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। तो इसीलिए लालू भी चाहते हैं कि सीएम नीतीश बन जाए संयोजक, गिरिराज सिंह का बड़ा खुलासा। सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चर्चा है कि उन्हें इंडिया गठबंधन में संयोजक बनाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो आज बुधवार 3 जनवरी को इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की ऑनलाइन मीटिंग होने वाली है। इसमें नीतीश कुमार के नाम की घोषणा संयोजक के लिए हो सकती है। इससे पहले ही नीतीश कुमार को लेकर लगातार बीजेपी के नेता हमलावर हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव का नाम लेते हुए सीएम पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने बीते मंगलवार 2 जनवरी को मीडिया से बातचीत पर यह बयान दिया था कि यह सब लालू यादव का मकड़जाल है। मकड़जाल में नीतीश कुमार को फंसा कर रखना चाहते हैं। इसका पहला प्रयोग है कि किसी तरह से नीतीश कुमार को संयोजक बना दे ताकि हमारे गठबंधन में रहें और बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार को कोई संयोजक क्यों बनाएगा, कौन सा तीर मार के आए हैं, विधानसभा में कौन सा रामायण करके आए हैं, आजकल एक महीने से किसी मंच पर बोल नहीं रहे हैं, तो क्या बिना बोले गठबंधन में रहेंगे, कोई बनाएगा नहीं। ये लालू यादव का मकड़जाल है। लालू यादव तब तक तैयारी करेंगे कि कैसे उनकी पार्टी को तोड़ दें। लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। विपक्षी गठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी हैं। हालांकि अभी तक सीटों को लेकर फैसला नहीं हो सका है। लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। हाल ही में नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान संभाली है। नीतीश कुमार संयोजक बनाए जा सकते हैं, इससे आरजेडी के नेताओं में भी खुशी है। हालांकि देखना होगा कि इस चर्चा पर कब तक आधिकारिक रूप से मोहर लगती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज़ टीवी।